Hello students, in this video we will study about the boundary condition in electric field. So boundary conditions in electric field ko explain karne ke liye main yahan par aapke liye do medium consider kar raha hu, medium 1 and medium 2. Medium 1 ka main dielectric constant le raha hu epsilon r1, medium 2 ka epsilon r2. Now yahan par suppose kariye aapki ek electric field hai E1 in medium 1 and E2 in medium 2. Means, meri electric field jo hai, wo medium 1 se medium 2 mein travel kar rahi hai. To electric field mein kya changes honge? Wo sari cheeje hum calculate kar sakte hain by using boundary condition. Boundary kya hai aapki? Electric field jo aapki medium 1 se medium 2 mein ja rahi hai. To medium 1 aur medium 2 ke beech mein jo ye aapko line dikh rahi hai, that is called boundary. तो हमें बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस कैलकुलेट करनी है. बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आए. ठीक है, या आप सिंपल लैंग्वेज में अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में बोलें तो अगर आपको E1 पता है तो आप E2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इफ यू नो द E2 देन हाउ यू विल कैलकुलेट E1. तो ये हमारा एम है यहां पर बाउंड्री कंडीशंस में. तो यहां पर हमें एक पॉइंट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा कि जो भी आपका ये वेक्टर है E1, उसका आपका एक कंपोनेंट क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट क्या होगा आपका नॉर्मल कंपोनेंट. ठीक है, तो यहां पर इसे मैं शो कर रहा हूं आपका टेंजेंशियल, और ये वाला जो है आपका दैट इज नॉर्मल, तो ET एंड दिस वन इज EN. सिमिलरली यहां पर भी मैं शो कर रहा हूं आपके लिए, यहां पर भी आपके दो होंगे, एक होगा आपका ET और एक होगा आपका EN. तो दिस इज ET एंड दिस इज योर EN. यहां पर हम लोग ET1, EN1, ET2 एंड EN2 इस टाइप से शो कर देते हैं. नाउ हमारा अब टारगेट क्या है, हमें ये समझ लेना है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता है और आपका नॉर्मल कंपोनेंट भी होता है. तो अगर हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट का नॉलेज है तो क्या हम E2 के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें यहां पर समझना है. ठीक है, इनके लिए हमें कंडीशन डिराइव करनी है. तो यहां पर आप देखिए, पहले मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए कंडीशन डिराइव करने जा रहा हूं, दैट मींस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ET1 एंड ET2. तो उसके लिए मैं यहां पर एक सिंपल सा आपके लिए स्क्वायर कंसीडर कर रहा हूं बाउंड्री पे. ठीक है, और ये जो स्क्वायर है वो बहुत ही स्मॉल लेंथ का है. ठीक है ना, जो लेंथ है आपके स्क्वायर के साइड की वो बहुत ही स्मॉल है. ठीक है, तो यहां पर मैं इस तरीके से सर्कुलेशन ले रहा हूं यहां पर. ठीक है, अब आप देखिए, हम लोगों को मैक्सवेल का एक इक्वेशन पता है कि E.dl इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो इन अ क्लोज लूप. ठीक है ना, तो यहां पर आप देखिए, मैंने यहां पर एक लूप लिया हुआ है, एक स्क्वायर लिया हुआ है, और मुझे सर्कुलेशन कैलकुलेट करना है. E.dl मींस सर्कुलेशन, और हमें पता है टोटल सर्कुलेशन क्या होने वाला है, हमारा जीरो होने वाला है. ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर देखें तो ये जो आपका सर्कुलेशन है, स्टार्ट मैं यहां से कर रहा हूं, तो ये इसका डायरेक्शन है राइट साइड. तो आप देखिए, ये मीडियम 1 में है, तो मीडियम 1 में ET1 का डायरेक्शन भी क्या है आपका, राइट साइड है. तो ये क्या हो जाएगा, ET1 * डेल x. ठीक है ना, फील्ड क्या हो जाएगी इस साइड, ET1, और लेंथ क्या है स्क्वायर की, डेल x है. बहुत ही स्मॉल लेंथ है, आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ बाउंड्री पर ही प्रेजेंट होगा ये स्क्वायर. नाउ अब आप देखिए, आगे बढ़िए यहां से, अब आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये मैंने स्क्वायर इस तरीके से लिया है कि ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना मीडियम 1 में है उतना ही मीडियम 2 में है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है. ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, ये जो आपका मीडियम 1 में जो पोर्शन है वो आपका डाउन साइड है. ठीक है, और जो आपका EN1 है वो भी डाउन साइड है, दैट मींस प्लस EN1 डेल एक्स बाय 2. नाउ देखिए, अब मीडियम 2 वाला जो पोर्शन है वो भी डाउन साइड है, और जो EN2 है आपका वो भी क्या है, आपका डाउन साइड है. तो प्लस EN2
डेल एक्स बाय टू, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पर डेल एक्स बाय टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हाफ हाफ है ना। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग अब लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ई टी टू जो है मीडियम टू में, वो राइट साइड डायरेक्शन है, इसका लेफ्ट साइड है, दैट मीन्स माइनस ई टी टू इन टू डेल एक्स। अब आपको ऊपर की तरफ जाना है, अप है आपका डायरेक्शन, तो पहले मीडियम टू में हैं आप, तो मीडियम टू में आपको अप जाना है, लेकिन ई एन टू का डायरेक्शन क्या है, डाउन है, तो माइनस ई एन टू डेल एक्स बाय टू। नाउ आपको अभी भी अप ही जाना है, बट ई एन वन का डायरेक्शन भी क्या है, डाउन है, तो माइनस ई एन वन डेल एक्स बाय टू इक्वल टू क्या है आपका, जीरो। तो अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो ये आपका ई एन वन डेल एक्स बाय टू, ई एन टू डेल एक्स बाय टू, माइनस ई एन टू डेल एक्स बाय टू एंड माइनस ई एन वन डेल एक्स बाय टू, ये सभी आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पर, कैंसल हो रहे हैं। और यहाँ पर रह क्या गया आपका, ई टी वन डेल एक्स माइनस ई टी टू डेल एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अब ई टी वन इज इक्वल टू ई टी टू, दैट मीन्स जो आपके टेंजेंशियल कंपोनेंट हैं उनकी वैल्यूज आपकी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स अगर मीडियम वन में आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ई टी वन है, तो मीडियम टू में भी ई टी वन ही होगा, ई टी टू इक्वल टू ई टी वन। अब इसे हम थ्योरी वाइज क्या बोल सकते हैं, कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंटिन्यूअस अक्रॉस एनी बाउंड्री ऑफ सरफेस, मीन्स वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नाउ अब अगर मैं यहां पर आपके लिए नॉर्मल कंपोनेंट में रिलेशनशिप निकालूं, तो हम यहां पर एक और फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका मीडियम वन, ये आपका मीडियम टू, एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन आर टू। अब सेम जो आपकी वेव है यहां पर, वो आपकी मीडियम वन से मीडियम टू की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ई वन, दिस इज ई टू, और ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट, ये आपका टेंजेंशियल, सिमिलरली अगेन नॉर्मल और ये आपका टेंजेंशियल। तो इसके नेमिंग हम कर देते हैं ई टी वन, ई एन वन, ई एन टू एंड ई टी टू। तो मैं यहां पर अब एक सरफेस फिर से कंसीडर कर रहा हूं आपके लिए, और यहां पर सरफेस कुछ इस तरीके की है आपकी, यहां पर एक सिलेंडर का फिगर है आपका, और इसके दोनों साइड से आपका फ्लक्स आउटवर्ड है। ठीक है, मीडियम वन में भी जा रहा है और मीडियम टू में भी जा रहा है, और इसका जो सरफेस एरिया हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं डेल एस, बहुत ही स्मॉल सी सरफेस है ये, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द सरफेस एरिया डेल एस। नाउ यहां पर अब अगर हम देखें तो हमें एक और लॉ पता है मैक्सवेल का, एक और थ्योरम पता है, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्यू होता है। ठीक है, तो यहां पर जहां जहां आपने E लिखा हुआ है, चाहे तो आप वहां पर D भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका DN1 है या EN1 है, D और E में रिलेशन क्या होता है, D इक्वल टू एप्सिलॉन E। ठीक है ना, तो हम बाद में एप्सिलॉन से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर DN1 और DN2 के लिए अगर कैलकुलेट करूं, तो आप देखिए D डॉट DS इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए जो आपकी नीचे वाली सरफेस है उसमें डी एन टू का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और जो फ्लक्स निकल रहा है उसका भी डायरेक्शन क्या है आपका, डाउनवर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे इसे, हम इसे लिख सकते हैं डी एन टू इंटू डेल एस, सरफेस एरिया आपका डेल एस माइनस, अब माइनस साइन में आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है, आप देखिए मीडियम वन वाला, मीडियम वन में फ्लक्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, बट डी एन वन का डायरेक्शन क्या है आपका, डाउनवर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी एन वन डेल एस इक्वल टू, अब आप देखिए इक्वल टू में हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बाउंड्री में सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसिडर कर लेते हैं रो एस। तो चार्ज क्या होता है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, दैट मीन्स रो एस डेल एस। क्लियर है अच्छे से, तो अगर आप देखें यहां पर डेल एस और डेल एस कैंसल हो जाएगा,
तो dN2 माइनस dN1 इज इक्वल टू रो एस, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर मैं स्पेशल एक केस ले लूं कि चार्ज फ्री रीजन, तो यहां पर आपका जो dN2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका dN1 के। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है अक्रॉस एनी बाउंड्री ऑफ सरफेस इफ रो एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर यहां पर रो एस जीरो है, दैट मींस चार्ज फ्री रीजन है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस हो जाएगी। क्लियर है अच्छे से? तो न्यूमेरिकल में हम लोग dN2 इक्वल टू dN1 ही लेके चलते हैं, चार्ज फ्री रीजन ही लेकर चलते हैं। बट स्टिल अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ भी गया जहां पर आपको dN2 माइनस dN1 इक्वल टू रो एस करना पड़े, तो वो भी फॉर्मूला आपके पास अब अवेलेबल है। नाउ अगर हम देखें तो हमें दो कंडीशन मिली है, एक मिली है ET1 इज इक्वल टू ET2 और एक हमें मिली है dN2 इज इक्वल टू dN1। तो यहां पर अब आप देखिए E और D में क्या रिलेशन होता है, D होता है आपका एप्सिलॉन E, ठीक है? तो जो E है वो क्या हो जाएगा, D बाई एप्सिलॉन। तो हम इसे लिख सकते हैं dT1 अपॉन एप्सिलॉन R1 dT2 अपॉन एप्सिलॉन R2। तो यहां पर अगर मैं बात करूं dT2 अपॉन dT1 की, तो ये क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1। इसका मतलब dT2 और dT1 कभी आपके सेम नहीं हो सकते। तो अगर ये दोनों सेम नहीं हो सकते तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस एनी बाउंड्री ऑफ सरफेस। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो आपकी ऑलवेज क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस। उसमें कोई भी ऐसा केस नहीं है जब वो कंटिन्यूअस हो जाए। क्यों, वो तभी कंटिन्यूअस हो सकती है जब एप्सिलॉन R1 इक्वल टू एप्सिलॉन R2 हो, दैट मींस आपका मीडियम सेम हो। बट यहां पर जो बाउंड्री कंडीशन है वो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमें दो डिफरेंट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालिसिस करना है, ठीक है? अब आप इसको देखिए dN2 इक्वल टू dN1 जो कि हमें चार्ज फ्री रीजन के लिए कंटिन्यूअस मिली है, तो हमें फिर से पता है कि d की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन ई। तो यहां पर अब अगर मैं d की वैल्यू पुट करूं तो एप्सिलॉन R2 eN2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R1 eN1। तो यहां पर जो आपका eN2 अपॉन eN1 आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2। दैट मींस नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए उसे क्या चाहिए कि मीडियम क्या हो, सेम हो, जो कि यहां पर वैलिड नहीं है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट में रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद अब हम एंगल में रिलेशनशिप यहां पर डेवलप करेंगे। तो सपोज करिए मैं फिर से यहां पर दो मीडियम कंसीडर कर रहा हूं, 1 और 2, उनके डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 एंड एप्सिलॉन R2 हैं, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, और मैं यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल निकाल सकूं वर्टिकल एक्सिस से। दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, ठीक है? और ये है आपकी फील्ड E1 एंड दिस इज द फील्ड E2। तो यहां पर अब हमें जो एंगल कैलकुलेट करना है, तो अब आप देखिए यहां पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए दोनों साइड। ये तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहां पर। तो अगर आप देखिए यहां पर cos थीटा, या आप tan थीटा निकाल लीजिए डायरेक्टली, tan θ1, tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमें पता है एंगल के सामने वाली लाइन हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये आपका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये हमारा कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल। किस मीडियम में है, 1 में, तो ET1। और हमें ये भी पता है कि जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो जो रह गई आपकी दैट विल बी बेस। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, हमें क्लियरली दिख रहा है ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा। किस मीडियम में, मीडियम 1 में, तो EN1। सिमिलरली अगर मैं tan θ2 की बात करूं यहां पर, तो tan θ2, अब आप आ जाइए मीडियम 2 में, देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगेन जो एंगल के सामने वाली लाइन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये फिर से कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल। और जो आपका
परपेंडिकुलर के अलावा जो सेकेंड स्मॉलेस्ट लाइन आपकी होगी, क्योंकि आपका हाइपोटेनियस सबसे बड़ी लाइन होती है, तो ये क्या बन जाएगा, बेस, और बेस कौन सा कंपोनेंट है आपका, नॉर्मल, तो EN2। तो यहाँ पर अगर आप देखें tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, हमें पता है देखिए ET1 और ET2 दोनों सेम है, अभी अभी हमने डिराइव किया है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपका EN2 डिवाइडेड बाय EN1। और अभी अभी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि EN2 डिवाइडेड बाय EN1 होता है एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2। तो यहाँ पर tan थीटा 1 डिवाइड बाय tan थीटा 2 का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन R1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2। तो ये हमने क्या किया है, बेसिकली हमने दो मीडियम फिर से लिए हैं और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम 1 और मीडियम 2 में जो एंगल है वो हमने वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिया है और उसी में हमने रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप कर लिया है। क्लियर है अच्छे से, आप चाहें तो रिलेशनशिप कॉस साइन किसी में भी डेवलप कर सकते हैं, हमने टेन के फॉर्म में डेवलप किया है, ठीक है। अब ये आपके रिलेशनशिप हमने डेवलप कर लिए, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इन पूरे कंसेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो पाए। पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ x इक्वल टू जीरो प्लेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x लेस देन जीरो और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर मेरे लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो मुझे गिवन है 2ax माइनस 3ay प्लस 4az और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालनी है। मुझे यहाँ पर एप्सिलॉन R1 की वैल्यू गिवन है 2 और एप्सिलॉन R2 की वैल्यू गिवन है 4। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक समझा रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चन में आपको मेथड भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप देखिए जो भी प्लेन आपको गिवन रहेगा ना, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू जीरो प्लेन है तो यहाँ पर आप x लेस देन जीरो लिखे हैं, यहाँ पर आप x ग्रेटर देन जीरो लिखे हैं, वही आपका नॉर्मल कंपोनेंट होगा ऑलवेज, जब भी आपका सिंगल वेरिएबल के थ्रू प्लेन शो होगा, जैसे x इक्वल टू जीरो या y इक्वल टू जीरो या z इक्वल टू जीरो, तो वही आपका नॉर्मल कंपोनेंट होगा ऑलवेज, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, तो अब आप देखेंगे अगर तो जो E1 है उसका दो पार्ट होगा, एक होगा ET1 और एक होगा EN1। हमें पता चल गया है कि जो EN1 है वो कौन सा होगा, X वाला, दैट इज 2AX। इसका मतलब क्या है कि जो ET1 होगा वो रिमेनिंग होगा, तो ET1 क्या हो जाएगा, माइनस 3AY प्लस 4AZ, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि ET1 इक्वल होता है ET2 के, तो बेसिकली हमारा ET1 और ET2 दोनों यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। और EN1 हमने कैसे पहचाना, जो आपको प्लेन गिवन है उसके थ्रू, क्लियर। और E1 क्या है आपका, ET1 प्लस EN1, तो EN1 निकल गया तो ET1 जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो गया, और ET1 और ET2 दोनों क्या होते हैं हमारे, सेम होते हैं। क्लियर है अच्छे से। नाउ अब आप देखिए आपका टारगेट है अब EN2 निकालने का, तो EN2 डिवाइडेड बाय EN1, इसमें हमने रिलेशनशिप डेवलप किया हुआ है, मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ। रिलेशनशिप जो हमारा है वो है एप्सिलॉन आर वन अपॉन एप्सिलॉन आर टू, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एप्सिलॉन आर वन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर टू। अब आप देखिए आपने एप्सिलॉन आर वन की वैल्यू क्या ली हुई है, 2, और एप्सिलॉन आर टू की वैल्यू 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/4, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, तो इस हिसाब से जो EN2 है वो कितना हो जाएगा, EN1 दैट इज 2AX, तो 2AX इंटू 1/2, तो आंसर क्या हो गया आपका EN2 का, AX। तो इस तरह से हमारा जो ET2 है वो है आपका माइनस 3AY प्लस 4AZ, ठीक है ना, तो माइनस 3AY प्लस 4AZ। अब बस हमें क्या करना है, इस ET2 में EN2 की वैल्यू ऐड कर देनी है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर E2, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट हो गई इन मीडियम 2 में। क्लियर है अच्छे से, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ सिंपली देखना है कि किस वेरिएबल के थ्रू प्लेन को इंडिकेट किया गया है, वही वेरिएबल जो है आपका वो आपका कहलाएगा
नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट वन। यहां पर हम लोग एक प्लेन ले रहे हैं जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, 2x plus 3y is equal to 6, ये आपका प्लेन है। और यहां पर आपकी e1 की वैल्यू गिवन है, कोई भी रैंडम सी वैल्यू मैं ले रहा हूं, 2ax minus 3ay plus az, और epsilon r1 2 दिया है आपको, epsilon r2 आपको क्या दिया है 4, आपको फिर से e2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको जो प्लेन है वो एक सिंगल वेरिएबल से नहीं शो किया गया है, वो आपको शो किया गया है 2x plus 3y is equal to 6। तो इसको अब हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से आप देखिए। यहां पर जो आपका प्लेन है, हमें नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए आप, इस पूरे जो प्लेन का जो फंक्शन है उसे एफ मान लीजिए, 2x plus 3y minus 6। तो जब इस तरीके से प्लेन को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हमें एक सिंपल तरीका होता है डायरेक्शन कैलकुलेट करने का या यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का, वो तरीका होता है कि आप प्लेन का सबसे पहले फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल लीजिए। तो डेल एफ ग्रेडियंट हमें पता है, क्या करते हैं, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स, डेल बाई डेल वाई ए वाई, देन डेल बाई डेल जेड ए जेड, ठीक है। यही होता है हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला, हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। देखिए जब आप f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y के रेस्पेक्ट में 1, तो क्या बचेगा 3, और z का कोई टर्म अवेलेबल नहीं है तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो जो आपका आंसर है डेल f का वो हमारा आ जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पर, 2ax plus 3ay। तो ये हमें मिल गया है डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ f। नाउ अब हमें अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो ग्रेडियंट निकालने के बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है कि आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसेस हमें पता है कि वेक्टर लिख लीजिए आप और डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर कर दीजिए। तो इसका मॉड क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 13। क्लियर है अच्छे से, तो ये हमारा निकल गया है यूनिट वेक्टर, जिसे मैं नाम दे रहा हूं यहां पर ए से, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है, हमें डायरेक्शन तो मिल गया, डायरेक्शन हमारा ये है। तो अब आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, याद होगा आपको हमने प्रोजेक्शन स्टडी किया था, तो बस यही कैलकुलेशन हमें करना है यहां पर। तो जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट होगा आपको करना क्या है, देखिए E1 का नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए ना आपको, तो E1 डॉट A इंटू A, ये हमारा होता है नॉर्मल कंपोनेंट। हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोजेक्शन, किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो हमें E1 वेक्टर का डायरेक्शन A में चाहिए था प्रोजेक्शन, ठीक है ना, तो ये आपको मिलेगा नॉर्मल कंपोनेंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको सरफेस दी हुई है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका पहले ग्रेडियंट निकालिए और फिर आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करिए मॉड ऑफ ग्रेडियंट से डिवाइड करके, और फिर आप प्रोजेक्शन निकाल लीजिए E1 डॉट A इंटू A। तो हमारा जो EN1 है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, E1 डॉट A, तो E1 मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूं, 2AX माइनस 3AY प्लस AZ, देख लीजिए यही आपका E1 है, क्लियर है अच्छे से। नाउ जब हम E1 डॉट A करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, देन 3AY, तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13, ठीक है, इंटू क्या करना है आपको A, हमने डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर लिया यहां पर, इंटू A मीन्स वापस से इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 13 2AX प्लस 3AY अपॉन अंडर रूट 13, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर अब अगर मैं मल्टीप्लाई यहां पर कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस 10AX डिवाइड बाय 13, तो माइनस 10AX डिवाइड बाय 13, और नेक्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा,
minus 15 ay, तो minus 15 ay divide by 13, तो ये हमारा calculate हो गया है EN1, ठीक है। तो अब अगर आपको ET1 निकालना है, तो देखिए जो E1 होता है, वो EN1 और ET1 दोनों का addition होता है, तो ET1 क्या हो जाएगा, E1 minus EN1, ठीक है ना। तो E1 क्या था आपका, 2ax minus 3ay plus az, ठीक है। इसमें क्या माइनस करना है आपको, EN1, तो यहां पर ऑलरेडी माइनस साइन है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10ax plus 15ay divided by 13, ठीक है। तो इसे आप खुद से अब सॉल्व करिएगा, मैंने आपको ET1 दिखा दिया क्या होता है, और जो ET1 होता है वही क्या होता है आपका ET2 होता है, क्लियर है अच्छे से। तो ET1 ET2 हमारा निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पता है कि जो EN2 होता है वो क्या होता है आपका, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, देखिए लास्ट क्वेश्चन में EN2 होता है एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2 इनटू EN1, ठीक है। तो यहां पर EN2 आप कैलकुलेट कर लीजिए, EN1 इनटू एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2, दैट मींस 2/4, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 1/2, ठीक है। तो EN1 हमारे पास है ऑलरेडी, तो यहां पर बस आप 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो EN2 आ जाएगा, और जैसे ही EN2 आएगा ET2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो E क्या हो जाएगा, ET2 plus EN2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये आप खुद से अब कैलकुलेट करिए, और आंसर निकालने के बाद कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करिए। और अगर आपको इस पूरे टॉपिक में जो हमने बाउंड्री कंडीशन पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्लियर अच्छे से। नाउ अब आप देखिए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन पढ़ी, सेम आपकी बाउंड्री कंडीशन हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी बिल्कुल सिमिलर है, मैं आपको समझा देता हूं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने लिया था ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, उसी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं एच डॉट डी एल इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहां पर जब मैं करंट फ्री रीजन लेता हूं, फॉर करंट फ्री रीजन, तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, जीरो, तो आपका सेम आंसर आता है एच टी वन इज इक्वल टू एच टी टू, जैसे हमारा आंसर आया था ई टी वन इज इक्वल टू ई टी टू। ई डॉट डी एल आपका ऑटोमेटिकली जीरो था, एच डॉट डी एल में हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्री रीजन कंसिडर कर रहे हैं, देन एच टी वन इक्वल टू एच टी टू। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, और चार्ज फ्री रीजन के लिए हमने निकाला था डी एन वन इक्वल टू डी एन टू। यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारा इक्वेशन होता है बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, ये ऑलरेडी जीरो होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, बी एन वन इज इक्वल टू बी एन टू, क्लियर है अच्छे से। और बाकी रिलेशनशिप आपको पता है आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू एच होता है, तो जिस तरीके से हमने एप्सिलॉन आर वन अपॉन एप्सिलॉन आर टू ऐसे रेशियोज डेवलप किए थे ना, लाइक ई एन टू अपॉन ई एन वन में रिलेशनशिप, ठीक है, उसी तरीके से आप यहां पर भी एच एन वन एच एन टू या बी टी वन बी टी टू में रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या यूज करना है, बी इक्वल टू म्यू एच, क्लियर है अच्छे से। तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका ज्यादा एनालिसिस हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। स्टिल अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए। थैंक यू।